SBS News, सच का साथी। नगराम पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने से नाराज पीड़ित परिवार पहुंचा विधानसभा के सामने आत्मदाह करने। दो नाबालिग बच्चों के साथ हुआ बलात्कार के मामले में कार्रवाई न होने की से पीड़ित परिवार पहुंचा विधानसभा आत्मदाह करने। मामले की लगातार उच्च अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई न होने पर अपनी नाबालिग बच्चियों और पत्नी के साथ अशोक पहुंचे विधानसभा। पीड़ित परिवार को लगातार समझौते के लिए बनाया जा रहा था दबाव। समझौता ना करने पर दी जा रही थी जान से मारने की धमकी। अशोक कुमार, आज विधानसभा के सामने आप आत्मदाह करने आए थे, क्या मामला है? यह सर, हमारी लड़की हैं 11 साल की, इतने समय दोनों के साथ 376 हुआ है और उसमें सर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और 506 का भी मुकदमा लिख गया है। आए दिन शायद जो है धमकी देते हैं। मोहम्मद सुफियान प्रतिनिधि चेयरमैन नगर पंचायत, और काम करे नहीं आवाज देते हैं। हमारा सर परिवार भूखन मर रहा है। किन्होंने आपकी बच्ची के साथ गलत काम किया है? मोहम्मद इशरत। किस थाने का मामला? नगर थाना नगराम जनपद लखनऊ। तो वहाँ की पुलिस ने क्या अभी तक क्या कार्रवाई की? वहाँ पुलिस में हमने एप्लीकेशन लगाई और SSP आप ही लगे, कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभी भी सुनवाई नहीं होता, विधानसभा के सामने आए थे क्या? जी सर, हम आत्महत्या अपने हाथ कर लेंगे अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो। SSP को लेटर लिखे? जी सर, हमने SSP को दिया 2-3 बार और रजिस्ट्री भी किया है।